हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। और आज है क्रिसमस, तो आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और ये है मेरा क्रिसमस का केक जो मैंने बच्चों के लिए बनाया था। सभी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया ये केक खा के, और हमने बहुत ही अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था। तो चलिए इस केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने, देखिए, 2 टीयर केक बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा स्पॉन्ज और एक बड़ा स्पॉन्ज तैयार कर लिया है। तो ये है 7 इंच के केक टिन में मैंने इसे बेक किया है, और एक 4 इंच के केक टिन में। तो यहाँ साइड के पेपर को मैंने हटा दिया, और केक का जो अपर पार्ट इस तरह से साइड से थोड़ा सा फूला हुआ था, तो उसे मैंने कट करके निकाल के एक लेवल में कर दिया है। तो अब हम इसका 3 पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर से हम 3 लेयर इसका कट करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 लेयर हो चुका है। तो इसे रखते साइड में, अब हम छोटा जो केक बनाया है 4 इंच के केक टिन में, उसे भी हम इसी तरह से साइड से 3 पार्ट में करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी 2-3 स्लाइस मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो सबसे पहले लेते हैं केक बोर्ड, उसमें लगाते हैं थोड़ा सा क्रीम, और यहाँ पे रखेंगे हम पहले छोटे वाले को आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटे वाले को रख के यहाँ पे अच्छे से हम इसे शुगर सिरप से एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं अच्छे से, ताकि ये शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब करके काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी हो जाए। और यहाँ पे पूरा हम यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम अच्छे से फैला के लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्ट्रॉबेरी क्रश, क्योंकि आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं केक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, अच्छी तरह से क्रश को चारों तरफ से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट। तो आज ट्विस्ट है केक में, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ चॉकलेट का भी टेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद फिर से हमने लिया है केक का दूसरा लेयर, उसे अच्छे से शुगर सिरप लगाने के बाद हम फिर से क्रीम लेंगे, और इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद फिर से दोबारा हम डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश, और इसे अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। फिर से थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, और तीसरा हमारा जो स्पॉन्ज है पार्ट, वो रख देंगे। तो यहाँ पे 3 लेयर का हमारा हो गया है तैयार। तो यहाँ पे भी यहाँ पे अच्छे से शुगर सिरप लगा दे रही हूँ, और फिर यहाँ पे अच्छे से मैं कर लूँगी आइसिंग, पूरे क्रम कोटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने, देखिए, दोनों केक को क्रम कोट कर दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो बिखर गया है चॉकलेट्स वगैरह, उसे थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए, क्लीन हो गया फटाफट। और यहाँ पे दोनों कप के आइसिंग हो चुकी है। दोनों को मैंने फ्रिज में रख दिया था करीब 10 से 15 मिनट के लिए, और इसे उठा के फिर यहाँ पे, ये देखिए, मैं सेट कर दे रही हूँ। तो ये हमारा 2 टीयर केक हो गया है अच्छे से आइसिंग इसका। तो यहाँ पे जो भी गैप थे दोनों केक्स के बीच में, मैंने क्रीम लगा के अच्छे से गैप्स को फिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का क्रम्स बना लिया है, तो इसे हम इस तरह से इस दोनों ही लेयर पे हम लगा देंगे। अपर का यहाँ पे टॉप पे हम छोड़ के पूरा, ये देखिए, ग्रीन हमारा जो है क्रिसमस ट्री बन के रेडी हो गया है। और ऊपर से यहाँ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम कट कर लेंगे, तो जो छोटा पार्ट है वहाँ पे मैं इस तरह से रेड क्रीम का यूज़ करके यहाँ पे कैप बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्रीम में मैंने फूड जेल कलर का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ज़रा भी आपके हाथ पे या मुंह पे इसका कलर नहीं आता है, खाने में बहुत ही टेस्ट अच्छा होता है। और यहाँ पे कैप बनने के बाद अब मैं संता का फेस बना रही हूँ। तो ये देखिए, बड़े ही क्यूट लग रहे हैं हमारे संता अभी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट का इफेक्ट दे देती हूँ रेड में, और रेड का इफेक्ट वाइट में, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब हम यहाँ पे संता का आँख ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने पहले टूथ स्टिक से अच्छे से ड्रॉ कर लिया है उनकी आंखें और मूछें, उसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ चॉकलेट। तो ये डार्क चॉकलेट को यूज़ करके मैं इनका आँख बना दे रही हूँ सेंटर का। तो ये देखिए, एक आँख हमारा अच्छे से ड्रॉ हो गया, और ये दूसरा। और अब बारी है संता की बड़ी बड़ी मूछें। तो यहाँ पे ये देखिए, संता की मूछें भी बन गई हैं काफ़ी क्यूटली। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से मूछें को ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे उनका जो मुंह है यहाँ पे रेड क्रीम से मैंने बना दिया है। तो ये देखिए, हमारे संता हो गए रेडी।
तो क्रिसमस डे पे मैंने ये क्रिसमस थीम का जो केक बनाया है टू टीयर का, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। डेकोरेशन कैसा लगा है और मेरा ये जो मैंने बनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर हमने केक बना के बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ हमने केक को कट किया। सभी सभी बहुत खुश थे, बहुत अच्छी तरह से केक खाए और सबको केक बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी के साथ साथ चॉकलेट का भी फ्लेवर आ रहा था। तो ये 2-in-1 केक है तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर लोकल एरिया में रहते हैं तो प्लीज़ केक का ऑर्डर दें। कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी पार्टी, ज़रूर ऑर्डर दें। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।